जी अब क्या कहें, आपकी राजधानी की तामीर का काम तो शुरू हो चुका है। अच्छा, लेकिन हुजूर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप अपना किला कहाँ तामीर कराएंगे। हमारा किला बुलाने के लिए पंडित मौलवी और नजूमी को दरबार में पेश किया जाए। आइए आइए आइए। नमस्कार नमस्कार पंडित जी, अभी तक हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी राजधानी कहाँ बनाई जाए, जल्दी बताइए। पता चला कि आप अपने किले को बेहद परेशान हैं। बेशक तो परेशान है, इस आवाम के लिए परेशान हैं हम। हम सब ने आपस में सलाह मशवरा करा। ग्रह नक्षत्र, सितारों की गर्दिश और फाल को देखकर यही सामने आता है कि आपको अपना किला यमुना नदी के किनारे बसाना चाहिए। यानी कि वहाँ तो यमुना नदी के किनारे तो ठंडक भी रहेगी, ठंडा ठंडा पानी होगा, इनको सुकून भी मिलेगा। इसका नाम क्या है? उसका नाम शाहजहां। वाह, तो ठीक है, आज से ऐलान किया जाता है कि लाल किले का असली नाम है शुक्रिया। हाँ, तो ये किस्सा हुआ लाल किले का पूरा। अब हम एक ऐसी हवेली की तरफ पढ़ने जा रहे हैं अपने बाबू को लेके। आजा बेटा, आजा, दौड़ पे आने सवारी, दौड़ पे आने सवारी। अब सुनाएंगे वो, देखो सामने जो फोटो दिख रहा है वहां पे रहता था एक नमकराम। कौन सुनना चाहेगा? नहीं, पहले जामा मस्जिद सुनोगे, नमकराम सुनोगे? जामा मस्जिद भाई, पहले जामा मस्जिद सुनाऊं या नमकराम सुनाऊं? जामा मस्जिद। चलो भाई, तो पहले जामा मस्जिद का किस्सा आ जाओ। जामा मस्जिद वाले बच्चे आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। नवला मेरी टोपी दे दो, किस्सा को वाली ये उतार दो भाई, दे दो जल्दी से। हाँ तो बच्चों, अब हम पहुंच गए जामा मस्जिद पे। जल्दी से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ जाओ, जल्दी चलो। वहां पानी आ रहा है, जल्दी, वहां बाढ़ आ जाएगी दिल्ली में, वहां बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। नाना, आपने हमें यहाँ पे क्यों चढ़ा दिया? अबे ये तो आवाम बताएगी कि जामा मस्जिद की सीढ़ी पर क्यों चढ़ाया गया। सोचिए, अगर मैं इनको जामा मस्जिद की सीढ़ी पर चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा इनके साथ? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ, वो बच्ची बताने वाली है भाई, उस बच्ची को तो पता चल गया क्या हो जाएगा ऐसा। जामा मस्जिद की सीढ़ी पर पहले क्यों जाना पड़ेगा? बताओ मेरे बच्चे, अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम शाजा है। जामा मस्जिद की सीढ़ी पे यूं चढ़ाया गया है क्योंकि बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ तो आई जाएगी, लेकिन जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ही क्यों चढ़ाया गया? और कोई देना चाहेगा इसका जवाब? है कोई जवाब? हाँ बताओ। वहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता। क्यों नहीं पहुँच सकता? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। तालियां बजाओ। वो बहुत ऊंचाई पर है। ऊंचाई पे क्यों है? वो क्या है ऐसी जगह? बहुत बढ़िया जवाब है। ये नहीं पता, बिल्कुल आधा जवाब उसने पहले, उसके लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार। लेकिन ये बताओ, जामा मस्जिद की सीढ़ी पर पानी जब बहते हैं, पूरा दिल्ली शहर डूब जाएगा, पूरा दिल्ली शहर डूब जाएगा, तब जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी तक पानी पहुंचेगा, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, ऊंचाई तो है लेकिन क्यों? पूरी दिल्ली नजर आती है। बेशक, क्योंकि वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था उस वक्त, इसलिए जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी पर पानी आ गया। जोरदार तालियां। अच्छा, ये तो हुआ पहला, जामा मस्जिद तक तो पहुंच गया मेरे बच्चे। लेकिन ये बताओ वहां पे कितने गेट है? पहले गेट से बताओ कौन आता है? बहुत खूब। और हमारे बाजार हमें दिखाया जाए इस गेट के बाहर, कौन कौन से बाजार लगते हैं? जी हाँ, ये कौन सा बाजार है? खास बाजार। वाह, खास बाजार। और ये है खानम का बाजार। खानम का बाजार, सोचिए कौन कौन से बाजार लगने लगे हैं? हुजूर, ये है लश्कर बाजार। लश्कर, ये लश्कर क्या होता है? हुजूर, जो अलग अलग छावनियाँ आकर यहाँ रहा करती थी ना बादशाह शाहजहां की, वही सब लश्कर यहाँ आकर खरीदा। वाह वाह वाह, और ये क्या है छावनी? ये उर्दू बाजार। उर्दू बाजार? अरे हम तो उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में ही तो आए हैं, ये उर्दू बाजार क्या है? हुजूर, यहाँ पर कई सारे उर्दू के कसीदे और किताबें मिला करती थी। यानी कि आजादी के जंग के लिए जो लड़ा करते थे वो सब यहाँ। अच्छा, और ये है आपका पांचवा बाजार, यानी गुजरी बाजार। नाम बड़ा अजीब और गरीब है रेशमा साहिब, गुजरी कोई नाम होता है क्या? बड़ा अजीब और गरीब, आप में से कोई गुजरी के मायने जानता है क्या कि गुजरी क्या होती है? कोई है? मैं खुद भी आवाम से पूछ रहा हूँ, जरा आप में से कोई बताएगा गुजरी बाजार क्या होता है? आप बताएंगी? हाँ, कौन बताना चाहता है? चलिए आप ही बता दो। अरे गुजरी बाजार वो होता है जो सुबह लगाया जाता है और शाम को
हटा दिया जाता है। ऐसे कौन कौन से बाजार हैं जो सुगटते जाम को लेकर के? कितने सारे बाजार हैं? आप देखो जुम्मा बाजार लगाया जाता है। हाँ लगाया जाता है, पर तुम्हारी तरफ कोई जुम्मा बाजार लगता है? बाजार भी तो लगता है। आखिर किसी ने किन्हें क्या लगता है? जुम्मा फ्राइडे बाजार, अच्छा और संडे बाजार, इतवार बाजार तो बताओ या वो भी नहीं बता। प्रभाकर जी अंकल जी बता रहे, अंकल जी के पास जा रहा हूं मैं तो, वो बताने वाले मुझे लगता है वो पुरानी दिल्ली से यहाँ जी। अपना नाम जरूर बता ना। अमरनाथ जी हाँ, दिल्ली के ऐतिहासिक पहचान है। वाह वाह, तालियां तो बजाने के लिए। ऐसे ही एक और बाजार है भाई साहब जो लगता है, बताओ कहाँ पे? ये थे सारा चोर वहीं पे पहुंच जाते हैं अंकल जी बताने वाले पीछे वाले। वाह जी आओ बता, आप बताने वाली है? हाँ जरा बताओ नाम, बताओ नाम है। दरियागंज। दरियागंज में लगता है वो? क्यों लगता है दरियागंज में? वहाँ पर जो चोरी का सामान होता है वो वहाँ पे, लेकिन सचमुच में चोरी का नहीं होता, लेकिन लगाते जरूर है। बिल्कुल सही, तालियां तो बजा दो उनके लिए। हाँ जामा मस्जिद में लगता है। बेशक बिल्कुल सही जवाब, जोरदार सा नाम बताया करो। नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार सर आप वहीं रहते हैं क्या? नहीं जी। तो फिर आपको दिल्ली के बारे में इतना कैसे पता? लाजपत नगर रहते हैं। देखिए लाजपत नगर रहता है, पता सब कुछ है। छोटा ट्रेन के लिए भी हर प्रकार का पुराना और कबाड़ी का बाजार। बेशक बिल्कुल सही जवाब। हाँ तो बच्चों अब तीसरा दरवाजा कौन सा था? अरे तीसरा दरवाजा वो जहाँ से हम जैसे आम लोग आया और जाया करते थे। अच्छा जी हाँ, और तो और आप जानते हैं इन सभी दरवाजों के बाहर कई सारी मजारे हुआ करती थी। अच्छा, और उनमें से एक बाबा थे भाई साहब जामा मस्जिद करूँ। ताकत शाह साहब, जरा ताकत शाह साहब का जरा फोटो दिखा देना भाई साहब, बोर्ड दिखा दो भाई साहब बोर्ड। ये देख लो, ये है जामा मस्जिद साहब, ये देखिए ये है वो ताकत शाह साहब का मजार। कहते हैं कि जामा मस्जिद जब बन रही थी ना, कहते हैं जामा मस्जिद की मीनार थोड़ी टेढ़ी थी, और उस वक्त शहनशाह साहब ने जब ठेकेदार को काम दिया तो वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, शुक्रिया। और फिर क्या था भाई साहब, जैसे ही वो मस्जिद के कोने में जाके बैठते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं और बोलते हैं क्या, वो कुत्ते की बात है कसम खुदा की, मस्जिद का रुख सीधा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठेकेदार ने जैसे ही काम वहां से जिस रुख से बताया था वैसे तामीरात शुरू की और मीनारें सीधी हो गई और ऐसे बन के जामा मस्जिद तैयार हो गया। तो जल्दी से ताली बजा दो। हाँ तो अब आगे चल रहा हम नमक हराम की हवेली की तरफ, जल्दी से पहुंचो नमक हराम की तरफ। नमक की हवेली बेशक नमक हराम, वो जो तुम देख रहे हो ना सामने फोटो। अब ये नमक हराम को नमक हराम क्यों कहते हैं ये बताने वाला हूँ। एक तरफ जान तो क्या बैठे थे, मुगल बैठे थे भाई साहब, एक तरफ मुगल और मराठे बैठे और दूसरी तरफ थे अंग्रेज और इधर थे भवानी शंकर। तो वो जो सामने देख रहे हो ना फतेहपुरी, फतेहपुरी की मस्जिद बस वहीं पर रहता था ये, और ये रहा उसकी हवेली का फोटो, ये देख लो। देखो ऐसी हवेलियां दिख रही है ना, ये ऐसी हवेली थी। और वो पहुंच जाता है अब मराठों के पास और मुगलों से जाके बात करता है, लेकिन अंग्रेज उसे बिल्कुल मिला हुआ था। फिर क्या था, मुगलों ने और मराठों ने इसको भवानी शंकर को अपनी सारी बात बता दी। अंग्रेजों में हम लोग नहीं बताएंगे नहीं। अच्छा हम दोनों हो क्या कुछ काम आ गया खाना छोड़ के, वो तो निकलता है पतली गली से और बताओ क्या करेगा, वो किनके पास जाएगा? अंग्रेजों के पास ही पहुंच जाता और अंग्रेजों से जाके बात करने लगता है। फिर क्या था, उन्होंने अंग्रेजों ने कर दिया हमला, मुगलों पे जैसे हमला करा गोलियां चला दी उन्होंने। भाई साहब
और वहां पे मुगल और मराठों की हार होती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। लेकिन भवानी शंकर, अब तुझे ये बद्दुआ देते हैं, तूने हमारे साथ गद्दारी की है, आज से ये पूरी आवाम तुझे नमक हराम के नाम से जानेगी और तेरी हवेलियों को नमक हराम की हवेली कहेगी। और फिर क्या था छुड़िया, और फिर क्या था जानते हो अंग्रेजों के पास इनाम में, जानते हो वो जो तुम फोटो देख रहे हो ना, वहां पे तो उस जमाने का 5-star होटल, और वो 5-star होटल अंग्रेजों ने उसको इनाम में दे दिया। शुक्रिया हुजूर, अब हम यहाँ पे कचहरी खोलेंगे। और फिर क्या, भवानी शंकर ने वहां पे हवेली खोल दी, और जानते हो क्या हो गया, रोज जो भी उसको क्या बोलता था, नमक हराम, देखो आवाजें लगने लगी सब तरफ से, और फिर क्या, जैसी आवाजें लगी उसने लगाने शुरू कर दिया कोड़े उन पे, बुलाया रोज सबको, भाई इसको पकड़ो और 5 कोड़े मारे इसे। ये सब क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है, दूसरा किस्सा छूना मले सर, ठीक है एक किस्से और सुनो यहीं पे, इसके बाद खत्म करूंगा भाई, टाइम थोड़ा लेट हो रही है, किस्से बहुत सारे हैं। और फिर क्या था भाई साहब, ये जो था ना पुणे मैडम, ये जो भवानी शंकर है जो फतेहपुरी पे रहता था, ये नमक हराम निकल गया फिर, और फिर क्या अंग्रेजों के पास गया वो, और अंग्रेजों से ऐलान करा दिया उसने, अब हम में सब लोग हमें नमक हराम बोलते रहते हैं, और हमारी हवेली को नमक हराम की हवेली, डोंट वरी, हम कुछ खाता है अभी खाता है, सुना दी जी हजूर, अवाम ऐलान करवा दो, जो भी मुंशी को नमक हराम कहेगा या उनकी हवेली को नमक हराम कहेगा, हम उसको 5 कोड़े मारेगा, ठीक है जून, हम अभी ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, उन्होंने ऐलान किया है, जो भी मुंशी भवानी शंकर को नमक हराम कहेगा या उनकी हवेली को नमक हराम की हवेली कहेगा, उसे 5 कोड़े मारेंगे। और फिर कसम खुदा की, ऐलान होने के बाद तो सबको पता चल गया कि ये जो हवेली है ना, जो फतेहपुरी के पास दिखती है, वो भवानी शंकर की नहीं है, वो किसकी है, नमक अरे आप बताओ ना किसकी है वो हवेली, अरे जल्दी से बता दो मेरे बच्चों किसकी हवेली कहलाई, अम्मा बताएंगी, अम्मा तुम बता दो किसकी हवेली कहलाई, वो नमक हराम की क्यों कहा उसको अम्मा, धोखा किया किसके साथ, धोखा किया था अम्मा आवाम के साथ, हाँ भाई और बच्चे तू भी बता दे किसके साथ धोखा किया था, तुझे नहीं बता रहे अभी तो किस्सा सुन के चुकी है, तू बता दे